तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 ऐसी जॉब्स के बारे में। अगर आपको कोडिंग से नफरत है, लाइक अगर आपको कोडिंग नहीं करना चाहते हो जो सॉफ्टवेयर लाइन का जॉब होता है, और आपको फिर भी आईटी में आना है, लाइक टेक्निकल इंजीनियर आपको बनना है और आपको कोडिंग नहीं आती है या कोडिंग आप करना नहीं चाहते हो, तो ये 5 ऐसी जॉब्स हैं जो विदाउट कोडिंग के भी आप कर सकते हो, टेक्निकल फील्ड में एक इंजीनियर बन सकते हो और अच्छी खासी इन जॉब्स की सैलरी है। तो जानते हैं इन जॉब्स के बारे में, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, इस छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों जो पहली जॉब है डेटा एनालिस्ट, बेसिकली जो कंपनीज़ में डेटा को एनालिस करते हैं या एनालाइज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। एंड इसके लिए जो थोड़ा सा मस्ट होता है एसक्यूएल वगैरह या हाइप करके आता है, आप माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल आता है या आप एसक्यूएल चाहो तो वो भी सीख सकते हो, तो इसके थ्रू लोग इसमें प्लेस होते हैं। और इसका जो नॉर्मली पैकेज होता है वो 5 लाख के अराउंड आपको मिल जाता है। बाकी आप चाहो तो इसे ग्लास डोर पर भी चेक कर सकते हो। बड़े समय कोई भी कोडिंग की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि आपको जावा C++ ये सारी कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आईटी में आ सकते हो और एसक्यूएल वगैरह सीख के डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो दोस्तों सेकेंड नंबर का जॉब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो इसका तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, SEO का। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इम्प्रूविंग ऑप्टिमाइजिंग एंड रैंकिंग ऑफ वेबसाइट, लाइक जो मतलब कि वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं या अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डाल के उस वेबसाइट को रैंक कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे अगर कोई वेबसाइट को रैंक कराना है तो आपको SEO की ज़रूरत पड़ेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, और इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा बहुत मिलता है कहीं पे बेसिक सा, लेकिन आपको इतना कोडिंग में मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप SEO में कर सकते हो और आने वाले दिनों में इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर होने वाला है। एंड बेसिकली जो ये काम करते हैं वो डेवलपर के साथ करते हैं, जो वेब डिज़ाइनर होते हैं, कंटेंट की टीम होती है, तो उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। और इनका जो पैकेज जाता है एक मीडियम पैकेज होता है जो 4 लाख के अराउंड होता है, बाकी एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी अच्छा खासा इनका पैकेज होता है, लेकिन मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ, 4 लाख के अराउंड इनका पैकेज होता है। बाकी अगर आपको और सारा डिटेल में चेक करना है तो आप ग्लास डोर वगैरह पर जाके वहाँ चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों थर्ड नंबर पर है वेब एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, तो जो ये वेब स्पेशलिस्ट होते हैं तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि किस टाइप के यूज़र वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे या किस टाइप का जो कंटेंट है वो किस टाइप का लोगों को पसंद आ रहा है, यानी कि जो पूरा जनरल होता है ना वेबसाइट को लेके कि कैसा ट्रैफिक आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, या जो यूज़र विजिट कर रहा है उसे क्या चाहिए एक्चुअली में, तो इस तरीके के जो वेब एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनका ये काम होता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। एंड दोस्तों जो इसका अराउंड नॉर्मली पैकेज होता है वो 5 लाख के अराउंड का होता है। एंड बेसिकली जो जॉब प्रोफाइल होता है वो लाइक सिमिलर होता है SEO, एंड इसमें एक थोड़ा सा अलग होता है डिजिटल मार्केटिंग भी इसमें इंक्लूड होता है। बाकी आप लोग जान ही रहे हो कि आने वाले दिनों में या इस टाइम भी डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा है। एंड दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर है सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं उनके बहुत ही ये लोग क्लोजली काम करते हैं, बहुत ही उनके साथ मिलके ये काम करते हैं सारी चीज़ें वो फाइंड करने के लिए, लाइक अगर क्या रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की या कोई बग्स है, कोई एरर है, तो ये सब सारी चीज़ें निकालते हैं उस सॉफ्टवेयर से जो डेवलपर ने बनाया हुआ है और किसी एक प्रोग्राम में पुट करते हैं जो पहले से बना हुआ, तो उसमें जो कोडिंग होती है, जो कोई एरर है कोडिंग में, तो वो सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर टेस्टर जो होते हैं वो निकाल के वहाँ पर डेवलपर को बताते हैं कि ये मिस्टेक हैं और इनको सही करो या इनको इम्प्रूव करो। एंड जो जैसे कि कोई क्लाइंट है या कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज़ करना है तो रिलीज होने से पहले वो सॉफ्टवेयर पूरा जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर होता है उसके पास सारा जाता है, और इसके बाद वो मार्केट में लॉन्च होता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ टेस्टिंग। एंड इसका जो अराउंड मीडियम पैकेज जाता है वो 4 लाख तक जाता है, बाकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह में सॉफ्टवेयर लाइन में एक्सपीरियंस होने के बाद अच्छा खासा पैसा होता है। एंड दोस्तों जो फिफ्थ नंबर पर है नेटवर्क इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनका जो बेसिकली काम होता है कॉन्फिगर एंड मेंटेनिंग नेटवर्क ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी में जितना भी सारा रिसोर्स लगा हुआ होता है, लाइक जो स्विच हो गया,
राउटर हो गया, हब हो गया, तो उनको मेंटेन करना या किसी चीज़ का बैकअप वगैरह लेना या किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, जैसे सर्वर पे डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, तो आप सीधे सीधे ये मान के चलो कि किसी भी चीज़ को वहाँ पे लाइक जो स्विच हब राउटर वगैरह रहता है तो उनको कॉन्फ़िगर करना या उनको मॉनिटर करना, ये काम होता है एक नेटवर्क एडमिन का। एंड अदर जो थिंग्स होती हैं लाइक फायरवॉल या राउटर वगैरह या जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं, तो बेसिकली ये उन पे काम करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। इनका जो अराउंड पैकेज होता है, जो मीडियम पैकेज होता है, वो अराउंड 4 लाख का होता है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी एक्सपीरियंस के साथ पैसा बढ़ता रहता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो और ये अच्छी लगी हो आपको 5 जॉब्स। अगर आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं तो ये 5 जॉब आप प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।